नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोरन किचन में। दोस्तों, होली के समय सभी के घरों में दही वड़ा तो ज़रूर बनता है। दही वड़ा हो या दही भले, इसे बनाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए बेहतरीन चटनी बनाना। अक्सर दही बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन चटनी टेस्टी नहीं होने की वजह से दही वड़ा का मजा किरकिरा हो जाता है। इसलिए आज मैं आप सभी के लिए दो तरह की बेहतरीन चटनी की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैं आपको हरी चटनी बनाना सिखलाऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, दो हरी मिर्च और 4 से 5 कली लहसुन। दोस्तों, ये चटनी को बनाना बेहद आसान है, ये झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। लहसुन, मिर्चा, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, इन सभी को डालकर मिक्सर में पीस लेंगे। जब ये हल्का पीस जाए तो इसमें थोड़ा पानी, स्वाद अनुसार नमक और इस चटनी को चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम लोग 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। इन सभी को डाल करके इसे पीस लें। चटनी पीस गया है, अब इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच सरसों तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो देखिए दोस्तों, धनिया और पुदीना पत्ता का बेहतरीन चटनी बनकर रेडी है। इस चटनी को बनाना बेहद आसान है, लेकिन इस चटनी को दही वड़ा में डालकर खाने से दही वड़ा का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इमली का चटनी बनाना सिखलाती हूँ। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम इमली, जिसे मैंने 2 घंटा पहले पानी में भिंगोकर फूलने के लिए रख दिया था। इमली हमारा अच्छे से फूल गया है। इमली को इस तरह से मसलते हुए इसका बीज को बाहर निकाल लें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मसल लें। अब इसके बीज को इस तरह से छानकर इसे अलग कर लें। इमली का बीज और कचरा बाहर हो गया है, अब इसे हम एक मोटे छन्नी से छान लेंगे। दोस्तों, हाथों से अच्छे से नहीं छान पाता है, इसे छन्नी से छानने पर बचा हुआ कचरा भी बाहर निकल जाता है। इमली छन गया है, अब हम लोग इसका चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गरम कर लें। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें 1 चम्मच जीरा डालें। जब जीरा हल्का चटक जाए तो इसमें 1 तेजपात और लाल मिर्चा डालें। तेजपात और लाल मिर्चा हल्का पक जाए तो इसमें छना हुआ इमली पानी डालें। अब इसमें थोड़ा पानी और 1 चुटकी नमक डालकर इसे थोड़ा देर पकने दें। जब ये पक कर थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसमें 50 ग्राम गुड़ को फोड़ कर डालें। चटनी बनाने के लिए मैंने गुड़ और इमली का मात्रा बराबर रखा है। यदि आपको चटनी ज़्यादा मीठा या खट्टा बनाना हो तो आप गुड़ का मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ डालकर चटनी को इस तरह से चलाते हुए मीडियम हीट पर इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। चटनी गाढ़ा हो गया है, अब इसमें रोस्टेड 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच रोस्टेड मिर्चा पाउडर, इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा काजू और किशमिश डालकर इसे उतार लेंगे। दोस्तों, ड्राई फ्रूट डालने से इमली का चटनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, आप इसे ज़रूर डालें। तो देखिए दोस्तों, कितना स्वादिष्ट इमली का चटनी बनकर रेडी है। इस होली आप ही बनाइए दोनों चटनी और इसे दही वड़ा या दही भले पर डालकर सर्व कीजिए। दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। खाने की बेहतरीन रेसिपी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ।